इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताते राजधानी भोपाल से, जहां राजधानी में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, तो आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में शहर में कल कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में अब एक्टिव केस की संख्या 73 हो चुकी है। महिला डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है, यानी कि जो डॉक्टर मरीजों की रक्षा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो महिला डॉक्टर की भी पॉजिटिव रिपोर्ट निकली है। राजधानी में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक्टिव केस 73 हो चुके हैं शहर में और कोरोना के 6 नए पॉजिटिव पिछले दिन निकलकर सामने आए। और क्या कुछ स्थिति है राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की, जानते हैं। हमारे साथ रिजवान लगातार बने हुए। रिजवान, एक बार फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है, 6 नए केस और 73 एक्टिव केस की संख्या राजधानी भोपाल में पहुंच गई है। देखिए ऋतु, साफ तौर से कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, भले ही नए वेरिएंट की जो है प्रदेश में एंट्री नहीं हुई, लेकिन कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना ने जो है एक बार फिर चिंता जो है राजधानी भोपाल में और प्रदेश के अलग अलग जिलों में बढ़ा दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से लगातार जो है जागरूक अभियान चला रहा है। तमाम तरीके से किस तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, इसके लिए इसको लेकर जो है अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 6 केसेस जो है, एक दर्जन जो मामले जो है राजधानी भोपाल में सामने आए हैं, रविवार को काफी चिंता की बात है। दूसरी तरफ नए भोपाल में बेरागढ़, पुराने भोपाल में भी जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहा है, जिसको लेकर लगातार अपील भी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क प्रॉपर लगाकर रखें, ताकि जो ये चेन है वो टूट सके और जो मामले हैं वो कम हो सके। जी बिल्कुल रिजवान, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो संक्रमण तो एक बार फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि मास्क लगाकर रखें, तमाम गाइडलाइन का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। वैक्सीन भी बेहद जरूरी है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके।